इस वीडियो में आप ई रोजगार के लिए अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि आपका लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हो या फुल चार्ज्ड हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो, क्योंकि पावर या इंटरनेट के फेलियर के केस में आपकी एक अटेम्प्ट जाया हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ई रोजगार की वेबसाइट www.erozgar.pitb.gov.in के ओपन करें। वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। इस बटन पर क्लिक करने से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना CNIC नंबर एंटर करना है। इससे अगले बॉक्स में अपना CNIC दोबारा एंटर करें। ई रोजगार प्रोग्राम पंजाब के बेरोजगार नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है, इसलिए अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के अहल हैं। यस और नो ऑप्शन में से नो सेलेक्ट करें। स्क्रॉल डाउन करके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद अग्री पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपके पास एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको मजीद कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करें। इसके बाद अपना फादर्स नेम लिखें, जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। इस फॉर्म पर आपका CNIC नंबर पहले से ही लिखा होगा, इसलिए इस दफा CNIC लिखने की जरूरत नहीं है। आपका डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। पेज को स्क्रॉल डाउन करके अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करें और डिग्री एरिया सेलेक्ट करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यूज में इंस्टीट्यूट टाइप और इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करें। जो डिग्री आपने ऊपर एंटर की है उसकी स्टार्टिंग और एंड डेट सेलेक्ट करें। अपने डिग्री का मार्किंग सिस्टम सेलेक्ट करें। अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाले बॉक्स में आपको मार्क्स एंटर करने हैं, और अगर आप CGPA सेलेक्ट करते हैं तो बॉक्स में अपनी डिग्री का टोटल CGPA और अपना हासिल करदा CGPA एंटर करें। अब अपनी यूनिवर्सिटी की कैंपस लोकेशन और अपना रोल नंबर एंटर करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना ईमेल दर्ज करें। अगले बॉक्स में अपना ईमेल दोबारा दर्ज करें। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी एंटर करें। अगर आप लैंडलाइन नंबर भी ऐड करना चाहते हैं तो लैंडलाइन फोन नंबर पर क्लिक करके वो भी ऐड कर सकते हैं। ई रोजगार आपको इसी ईमेल और फोन नंबर पर राब्ता करता है, लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि ये ईमेल और फोन नंबर एक्टिव और दुरुस्त हों। इससे निचले बॉक्स में अपना परमानेंट एड्रेस लिखें और फिर अपना मौजूदा एड्रेस लिखें। इसी तरह अब अपना परमानेंट सिटी और मौजूदा सिटी सिलेक्ट करें। चूंकि ई रोजगार पंजाब का प्रोग्राम है, लिहाजा इस ड्रॉप डाउन में आपको सिर्फ पंजाब के शहरों की ही लिस्ट मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में आप जिस ई रोजगार सेंटर से ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं उस सेंटर का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके सामने सेंटर की ऑप्शन अपीयर होगी। इस पर क्लिक करने से आपको आपके सेलेक्ट किए हुए डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटीज में मौजूद ई रोजगार सेंटर्स की लिस्ट नजर आएगी। आप जिस सेंटर में दाखिला लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करें। इसके बाद इस सेंटर में ट्रेनिंग क्लास का शेड्यूल आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और क्रिएटिव डिजाइनिंग में से एक सेलेक्ट करें। अगले बॉक्स में आपको ये बताना है कि आप ई रोजगार ट्रेनिंग क्यों हासिल करना चाहते हैं। कैप्चा कोड एंटर करें और आखिर में टर्म्स एंड कंडीशंस के दोनों चेक बॉक्सेस को टिक करें। आपका फॉर्म मुकम्मल हो चुका है। अब अप्लाई पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको कंफर्मेशन मैसेज नजर आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है।
इसके बाद आपको एक SMS और ईमेल मौसूल होगी जिसमें ई रोजगार कैंडिडेट पोर्टल का लिंक और आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा। दिए गए लिंक को ओपन करें और अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आपके सामने टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें। इस टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब आपको 30 मिनट्स में ही मुकम्मल करने हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद स्टार्ट टेस्ट के बटन पर क्लिक करें, क्वेश्चन को पढ़ें और जो जवाब आपके ख्याल में दुरुस्त है उस पर क्लिक करके सबमिट आंसर के बटन पर क्लिक करें। अब इससे अगला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। एक आंसर सबमिट करने के बाद आप वापस उस क्वेश्चन पर नहीं जा सकते। इस तरह तमाम 30 सवालों के जवाब दें और इस दौरान राइट साइड पर मौजूद टाइमर का ख्याल रखें। कोशिश करें कि एक क्वेश्चन को सिर्फ एक मिनट दें ताकि आप 30 क्वेश्चंस को पूरे 30 मिनट्स में मुकम्मल कर सकें। जब आप आखिरी सवाल का जवाब देकर सबमिट आंसर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी जिस पर लिखा होगा ई रोजगार के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल और SMS के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।